आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से हम 3ds Max में वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से आप भी एक सिंपल वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यदि अगर आप एक बिगनर हो 3ds Max तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टेप वन में हम क्या करने वाले, एक सिंपल लाइन यहाँ पर से लेने वाले और टॉप व्यू से क्या कर देते, क्रिएट करते। अब टॉप व्यू से आपको क्या करना है, जैसे कि हम एक सिंपल रोड हमने क्रिएट किया है तो इसमें आपको क्या करना होगा, रोड के हिसाब से एक लाइन आपको क्रिएट करना होगा। तो हमने एक लाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है और लाइन क्रिएट करने के बाद इसको चाहे तो आप एक हाइट पर रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमने लाइन क्रिएट कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर जो है टोटल इतने रोड के फेस में ही हमें क्या करना है, जो कैमरा को अलाइन करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करना है वो हम आपको बताते हैं। तो अब इसको हम ठीक से देख लेते हैं कि ये हमारा जो है लाइन यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्मूथनेस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिलेट कर रहे हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने दो पॉइंट दिए, आप एक ही पॉइंट में क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फिलेट दे देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, फिलेट क्यों देना है, अगर आप फिलेट देंगे तो थोड़ा सा स्मूथनेस हो जाएगा, जब हम कैमरा इसको अप्लाई करेंगे तो कैमरा भी एकदम स्मूथली मूव होगा इस पाथ पर। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, अब एक कैमरा हम लेंगे और इसको हम किस तरीके से इसको असाइन करना है वो सेकेंड स्टेप में देखने वाले। तो फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ से टारगेट कैमरा नहीं लेना है, फ्री कैमरा लेना है। टॉप व्यू से क्लिक कर देते हैं, अब एक कैमरा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब कैमरा क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर सकते हैं आप। ड्रैग करने के बाद आपको थोड़ा बहुत रोटेट करना होता है। रोटेट किस तरीके से करना है वो सिस्टमेटिकली हम करेंगे। यहाँ पर आना है, क्लिक कर देना है एंड इसको राइट क्लिक कर देते हैं। स्नैप है ये, इसको हमें क्या कर देते हैं, एंगल में 90 डिग्री दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं और इसको रोटेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली यहाँ पर ठीक से अब रोटेट नहीं हो चुका है, सिर्फ हमने फ्रंट व्यू से इसको रोटेट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप व्यू से कैमरा अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा यहाँ से टॉप व्यू से भी। तो फ्रंट एंड टॉप व्यू से हमने रोटेट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं आप कि हमारा कैमरा ठीक तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसको क्या करना होगा, हमें सिर्फ असाइन करना होगा, जो कि हम क्या करने वाले वो थर्ड स्टेप में करने वाले। फर्स्ट स्टेप में हमने पाथ क्रिएट किया, सेकेंड स्टेप में हमने कैमरा यहाँ पर अप्लाई किया और थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम असाइन करने वाले कैमरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक से इसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर आपको रखना होगा। डिस्टेंस पर रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कैमरा को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एनिमेशन में आना होगा। एनिमेशन में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पाथ कॉन्स्टेंट में आना होगा, कॉन्स्टेंट के अंदर यहाँ पर पाथ कॉन्स्टेंट और यहाँ पर क्लिक। अब ये असाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा बहुत इसको प्ले कर बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लेंसेज वगैरह है वो किस तरीके से चेंज करना है, आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप हमारा जो कैमरा का सेशन है वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर कम ज़्यादा भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब इसको प्ले कर देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारा जो एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो इसको किस तरीके से करेक्ट करना है वो भी हम देखेंगे। एनिमेशन ये देख सकते हैं आप बहुत ही फास्ट है, तो इसको किस तरीके से हम यहाँ पर स्लो कर सकते हैं, इसका जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो टाइम का है उस पर क्या कर सकते, क्लिक कर सकते। अब स्पीड जो है हमारा कंट्रोल करने से पहले हम क्या करने वाले, जो कैमरा है वो ठीक से आप पाथ पर यहाँ पर एजेंट नहीं हो चुका है, ओनली जो है उसको फॉलोअप हमें करना होगा। किस तरीके से फॉलोअप करना है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर मोशन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो का एक ऑप्शन होता है, उसको चेक करना होगा। जैसे आप चेक करेंगे अब कैमरा ठीक से फॉलो हो जाएगा, बट जो कैमरा का डायरेक्शन है वो उल्टे दिशा में है, तो उसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा ताकि फ्रंट व्यू में वो ठीक तरीके से दिखाई दे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप, तो ये टोटली यहाँ पर ठीक से यहाँ पर फ्रंट व्यू नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा, थोड़ा सा कैमरा उल्टा है। तो इसको सीधा किस तरीके से आप कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले। सिंपली इसको सेलेक्ट कर दीजिए जो हमारा कैमरा रहेगा और इसको हम क्या करने वाले, रोटेट करने वाले। तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से एंड रोटेट ऑप्शन है यहाँ पर, इसको रोटेट कर देते। तो स्नैप में 90 डिग्री है इसीलिए परफेक्टली वो 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट हो चुका है हमारा, जो आप देख सकते हैं कैमरा रोटेट हो चुका है। अब फॉलो भी ठीक से हो रहा है, जो हमारा पाथ है उसको ठीक से फॉलो कर रहा है। अब इसको क्या करना होगा, सिंपली आप देख सकते हैं सिर्फ स्पीड अभी इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा। तो किस तरीके से करना है,
हमने जैसे कि आपको बताया कि टाइम लाइन पे जाना होगा, टाइम जो टाइम है यहाँ पर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर एक ऑप्शन है वहाँ से स्पीड का क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फास्ट चल रहा है जो हमारा एनिमेशन है। इसको स्लो करने के लिए यहाँ पर आना होगा आपको, क्लिक कर देते एंड यहाँ से जो है स्पीड्स वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्पीड एकदम कम करना हो तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, जो 1/4x, 1/2x, तो 1/4x करेंगे तो और ही ज़्यादा जो है हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा, जो कैमरा का स्पीड है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा 4x कर देंगे तो कैमरा का स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो कैमरा का स्पीड भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते किस तरीके से इसको चेंजेस करना है। ये देख सकते हैं आप 1/2x है, ये जो है हमारा नॉर्मल स्पीड रहेगा उसके हिसाब से, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट मीडियम यहाँ पर जो है कैमरा का स्पीड चाहिए होगा तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से आप 1x रख सकते हैं, 4x रखेंगे तो टोटल स्पीड हो जाएगा जो कैमरे का स्पीड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वॉक थ्रू एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं 3ds Max में। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।